साउथ अफ्रीका के सामने बांग्लादेश की जब हार हुई तो सबके मन में एक सवाल आया कि क्या अंपायरिंग के चलते बांग्लादेश की हार हुई, क्या आईसीसी का वो जो नियम है उस नियम ने बांग्लादेश को ये मैच हरा दिया, क्या बांग्लादेश के लिए आपको दिल से बुरा फील करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। शुभांकर मिश्रा ये भारतीय क्रिकेट के जर्नलिस्ट हैं, वो भी बोल पड़े हैं जो मैच हुआ है बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका का। बांग्लादेश को जिस तरह से हराया गया है, जीता हुआ मैच यानी 4 रन से, वही 4 रन जो लेग बाय के 4 रन हो चुके थे और जो मोहम्मदुल्ला के पैर को लगकर बाउंड्री क्रॉस कर चुका था, लेकिन वो अंपायर ने अपनी हठधर्मी से, अंपायर ने अपनी पूरी जो बगैरती है वो दिखाते हुए आउट अपनी उंगली खड़ी कर दी, क्योंकि गोरा गोरे को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि अंपायर चाहते थे किसी ना किसी तरीके से साउथ अफ्रीका को मैच जितवा दिया जाए, और अपील भी नहीं की जाती थी, वो खुद से उंगली खड़ी कर देते थे। इतना बार यानी लेग स्टैम्प जो मिस करके बाउंड्री लाइन यानी पैर पे लग के बाल 4 रन हो गया था, और अंपायर ने देखा कि इतना बार बाल है और उंगली खड़ी कर दी, यानी वो 4 रन इस तरह से गलती से यानी अंपायर की मिस्टेक से बांग्लादेश को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा कि एक हार उनके खाते में पड़ गई। इसके ऊपर बहुत सारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं, वसीम जाफर ने भी इसके ऊपर काफ़ी रिएक्ट किया है, उन्होंने क्या कहा है, तो ही रुदाय ने भी इसके ऊपर बात की है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और लेकिन पहले शुभांकर मिश्रा जो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, आइए वो वीडियो देखते हैं, वो क्या कह रहे हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी वीडियो देखिएगा, 3-2-1 एंड क्यू। साउथ अफ्रीका के सामने बांग्लादेश की जब हार हुई तो सबके मन में एक सवाल आया कि क्या अंपायरिंग के चलते बांग्लादेश की हार हुई, क्या आईसीसी का वो जो नियम है उस नियम ने बांग्लादेश को ये मैच हरा दिया, क्या बांग्लादेश के लिए आपको दिल से बुरा फील करना चाहिए, क्या बांग्लादेश ये मैच जीत सकता था। बहुत सारे सवाल है। बहुत ही अच्छा मैच था, लो स्कोरिंग मैच बांग्लादेश वर्सेस साउथ अफ्रीका, जिसमें साउथ अफ्रीका 113 रन बनाती और बांग्लादेश 109 रन बनाकर मैच हार जाती, 4 रन से हारती है। लेकिन इस मैच में 16वें ओवर में कुछ ऐसा होता है जिसको लेकर आपको बांग्लादेश के लिए दिल से बुरा लग सकता है। बांग्लादेश की टीम के प्लेयर जो थे वो बल्लेबाजी कर रहे थे, महमूदुल्लाह स्ट्राइक पर थे और बैट्समैन जो है वो गेंदबाजी कर रहे थे। 16वें ओवर की दूसरी गेंद आती है, बॉल जो है वो टच होती है और एक बॉल बाउंड्री लाइन के पार चली जाती है। अब ये बॉल बैट पर थी, पैड पर थी, जो भी था, लेकिन बहुत जबरदस्त अपील होती है और अंपायर साहब जो है वो महमूदुल्लाह को आउट दे देते हैं। महमूदुल्लाह इसके बाद डीआरएस लेते हैं और डीआरएस में ये पता चलता है कि वो नॉट आउट थे, लेकिन वो बॉल जो बाउंड्री लाइन के उस पार चली गई थी, जो 4 रन थे, वो क्योंकि अंपायर ने नॉट आउट दिया था, इसलिए अंपायर ने आउट दिया था इसलिए जोड़े नहीं जाते। और एंड रिजल्ट जब निकलता है तो 20 ओवर के बाद बांग्लादेश की जो हार होती है वो 4 रनों से हो जाती है, यानी अंपायर ने महमूदुल्लाह को अगर वो गलत आउट नहीं दिया होता तो वो बॉल लेग बाई के लिए बांग्लादेश को 4 रन मिल जाते और उस 4 रन से बांग्लादेश शायद ये मैच जीत जाता। बांग्लादेश के फैंस जो हैं अब सोशल मीडिया पर इस बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक खराब अंपायरिंग ने, एक खराब फैसले ने हमें इस मैच को हरा दिया, ये नियम अगर नहीं होता, क्योंकि नियम ये कहता है कि अगर अंपायर ने आउट दिया है LBW को लेकर और बॉल जो है वो बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है लेग बाई में, तो वो लेग बाई के रन नहीं मिलेंगे। अब ये नियम क्यों है, किस लिए है, कैसे है, क्या वजह है, लॉजिक क्या है, ये ICC जाने। लेकिन ICC के कई ऐसे नियम हैं जिनको लेकर अक्सर सवाल उठते हैं और उसी में से ये नियम था। महमूदुल्लाह को वो बॉल जो बैट्समैन की 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर पैर पर छूकर बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई थी, अगर एक लो स्कोरिंग मैच में वो 4 रन बांग्लादेश के नहीं काटे गए होते तो शायद ये कहानी जो है ये पूरी तरह से पलट जाती।
बांग्लादेश को 26 रन चाहिए थे 23 बॉल पर, यानी मैच पूरा उनके फेवर में था जब ये वाला फैसला आया था। और एक हार्श फैसला था क्योंकि बॉल स्टंप को मिस कर रही थी, लेकिन अंपायर ने क्योंकि अपनी उंगली पहले उठा दी थी आउट दे दिया था, लिहाजा महमूदुल्लाह को रिव्यू लेने के बाद नॉट आउट तो मिला, लेकिन वो चार रन जो बांग्लादेश डिजर्व करती थी वो चार रन नहीं मिले और एंड में बांग्लादेश साउथ अफ्रीका से ये मैच चार रन से हार गए। अंपायर का फैसला बांग्लादेशियों में चर्चा का विषय है, बांग्लादेशी इसको लेकर नाराज है। कई सारे लोग कह रहे हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, गेम में होता है, जो नियम है वो किसी के लिए बनाए नहीं गए हैं। लेकिन ये नियम इतने हार्श क्यों हैं ये अपने आप में सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर थर्ड अंपायर ये देख रहा है कि वो आउट नहीं है और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई, देखी है ना, तो आप इसका मतलब ये हुआ अंपायर के हाथ में जो मर्जी कर दे, जो ग्राउंड में अंपायर खड़ा है, जो फील्ड में अंपायर खड़े हुए हैं ना, दो अंपायर वो जिस टीम का मर्जी वो उसको जितवा दें, जिस टीम को चाहें और जिस टीम को चाहें वो हरवा दें। यानी उन्हें पता था कि ये लेग स्टंप मिस कर गई है और ये चार रन हो जाएंगे, और बाद में उन्होंने उंगली खड़ी की है। आप देख रहे थे, जिन जिन दोस्तों ने ये मैच देखा है उन्हें अच्छी तरह याद है कि जैसे ही महमूदुल्लाह के पैर को बाल लगकर बाउंड्री की तरफ गई है तो अंपायर जान चुका था कि ये चार रन मिल जाने हैं अगर मैंने उंगली नहीं खड़ी की, और उसे भी पता था कि ये आउट नहीं है, लेकिन उसने अपनी कॉल करके चार रन्स उसके हजम कर लिए ताकि ये चार रन्स ना मिलें बांग्लादेश को, और इसका सारे का सारा जो फायदा है वो जाए दूसरी टीम को, साउथ अफ्रीका को। और ऐसा ही हुआ है, आपने देखा है कल का मैच, और बांग्लादेश ने तो कोशिश की थी, और जिस तरह से तौहीद रुदाए को आउट दिया गया, लेग स्टंप के बाहर बॉल जा रही है, और फिर वो DRS जब लिया गया उसमें हॉटस्पॉट में पता है जहां दिल करता है वो बॉल को वहां पे जाके टच कर देते हैं, लेग स्टंप को टच कर दिया क्योंकि अंपायर कॉल थी, अंपायर कॉल पे तो आउट होता है, लेकिन अगर अंपायर उंगली खड़ी ना करते, रिव्यू लिया जाता साउथ अफ्रीका की तरफ से, तो फिर ये नॉट आउट होना था। लेकिन अंपायर साहब ने तो जिद पकड़ी हुई थी किसी ना किसी तरीके से आज बांग्लादेश को ये मैच हरवाना है, और दोनों अंपायर को अचानक पता नहीं किसी ने कोई फोन कॉल कर दिया था, IFB के जरिए कुछ कह दिया गया था कि भाई आपने अब गलत आउट देने हैं, आपने बांग्लादेश को ये मैच हरवाना है, समझ से बालातर था। और इसके ऊपर अब काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, बातचीत हो रही हैं, और जो क्रिकेट के पंडित हैं, एक्सपर्ट हैं, तजियाकार हैं, एनालिस्ट हैं, वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब शुभानकर मिश्रा साहब ने भी यही बात कही है। आपको क्या लगता है व्यूअर्स, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।